हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि पीडीएफ क्या होता है। यह एक फाइल फॉर्मेट होता है। जब हम किसी फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड करना होता है। साथ ही उसका साइज फिक्स होता है, जैसे 200 KB या 300 KB। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ को फोटो में कैसे कन्वर्ट करें, फोटो को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, पीडीएफ पर लॉक कैसे लगाएं, पीडीएफ से लॉक कैसे हटाते हैं और उसका साइज कम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और इसमें सर्च करते हैं ईशान पीडीएफ मैनेजर। तो दोस्तों, मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं अब इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर जाएं। यहां से आप अपना एक इमेज सिलेक्ट करें। अप्लाई करें और क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करें। यहाँ अगर आपको नाम डालना है तो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ। और आपका ये इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। व्यू पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आपके पास कोई पीडीएफ है और इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीडीएफ टू इमेज पर क्लिक करें। व्यू फाइल्स पर जाएं और अपना पीडीएफ सिलेक्ट करें। क्रिएट इमेज पर क्लिक करें। अगर आपका जो पीडीएफ है वो इमेज में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। और अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल पर लॉग लगाना चाहते हैं तो ऐड पासवर्ड पर क्लिक करें। व्यू फाइल्स पर जाएं और अपना पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करें। क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करें और अपना जो पासवर्ड है वो चूज करें। ओके करें। आपकी फाइल पर लॉग लग चुका है, ये देखिए। ओपन हो गया है। और अगर आपके पास कोई पीडीएफ है और उस पर लॉक पड़ा हुआ है, जैसे आधार कार्ड जो आता है पीडीएफ में उस पर आपका लॉक लग रहा होता है, तो अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। व्यू फाइल पर जाएं और यहां से अपना पीडीएफ सिलेक्ट करें। क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करें और अपना जो पासवर्ड है उसे डालें। ओके करें और इससे पासवर्ड हट चुका है, ये देखिए। अगर आपके पास कोई पीडीएफ हो और उसका साइज कम करना है तो आप कम्प्लेक्स पीडीएफ पर क्लिक करें। व्यू फाइल पर जाएं और यहां से अपना जो पीडीएफ है उसे सिलेक्ट करें और यहां पर जितना परसेंट कम करना है उतना आप डाल सकते हैं। मुझको 1% कम करना है तो मैं 1% डाल देता हूँ और क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करें। ये देखिए, आपका जो है वो 1% कम हो चुका है। और आपके लिए इसमें कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपके पास कई फाइलें हैं पीडीएफ की और आपको वो अलग अलग करनी है तो आप स्पेल टू पीडीएफ पर जाएंगे और यहां से आप अपना फाइल सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आप अलग कर सकते हैं स्पेल पीडीएफ पर क्लिक करके। और अगर आपके पास कई फाइलें हैं और आप एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं तो मैरिज पीडीएफ पर क्लिक और व्यू फाइल पर जाएं और यहाँ से अपनी फाइल सिलेक्ट करें। ओके करें और मैरिज फाइल पर क्लिक करें। और जो आपको बनाना है पीडीएफ का नाम वो आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल देता हूँ और ये आपका बन चुका है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और